एवरी वन वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर सीरीज का आज लेक्चर नंबर टेंथ है और आज हम समझेंगे कि कैरेक्टर बेस्ड मेथड से आप फाइलोजेंट्रिक ट्री का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं कि कैरेक्टर बेस्ड मेथड से हमारा क्या मतलब है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक कैरेक्टर क्या होता है अ कैरेक्टर इज़ अ वेल डिफाइंड फीचर दैट कैन एग्जिस्ट इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ डिफरेंट स्टेट्स मतलब कि कैरेक्टर एक ऐसा फीचर है जो कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट में मतलब प्रेजेंट हो सकता है जैसे कि अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट में आपका टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है ठीक है या मीडियम हाइट हो सकती है तो ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ Uh, जो है कंडीशन uh, में प्रेजेंट होती है ठीक है तो उसे क्या कहेंगे कैरेक्टर कहेंगे और ये वेल डिफाइंड फीचर होना चाहिए जैसे कि आप हाइट जो है एक वेल डिफाइंड फीचर है ना इसको आप डिफाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी मॉडल एंड अ सीक्वेंस अलाइनमेंट क्लेडिस्टिक या फिर कैरेक्टर बेस्ड मेथड फाइंड द ट्री विच हैज़ द बिगेस्ट प्रोबेबिलिटी टू बी ऑप्टिमल फॉर स्पेसिफिक इनपुट सेट ऑफ सीक्वेंसेस तो जो ये कैरेक्टर बेस्ड मेथड होता है ये किसकी मदद से ट्री को फॉर्म करता है सीक्वेंस अलाइनमेंट की मदद से ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जाता है इसका मतलब कि ये क्वान्टिटेटिव वैल्यू को जो है वो कंसिडर नहीं करती है सिंस दे आर सर्चिंग फॉर एन ऑप्टीमल ट्री दे आर ऑफ एन कॉल्ड ट्री सर्चिंग मैथड ठीक है तो कैरेक्टर बेस्ड मैथड को ट्री सर्चिंग मैथड्स भी कहा जाता है इन दीज अप्रोचेज द इनपुट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट कॉल्ड कैरेक्टर्स दट द इन्वेस्टिगेटेड ऑब्जेक्ट में पजेस ठीक है जैसे कैरेक्टर को ही आप यहाँ पर कंसिडर करते हो अगर ये इनपुट कैरेक्टर जो है अच्छे से चूज किए जाएँ तो इनकी इंफॉर्मेशन से आप आराम से जो है फायलोजेंटिक ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अब कैरेक्टर डाटा जो होता है वो कहाँ से आता है ये भी बात ध्यान देने वाली है जब वेन इन्वेस्टिगेटिंग बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज ट्रेडिशनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर जैसे कि आप कैरेक्टर में क्या क्या जो है कंसिडर कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को मॉर्फोलॉजिकल फीचर जैसे हाइट भी एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है ये जनरल एट्रीब्यूशन जैसे कि एक बैकबोन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है इस बेसिस पे हम कॉर्डेटा नॉन कॉडेटा का जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये भी एक कैरेक्टर हो गया या फिर आप बहुत जनरल कैरेक्टर भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि एक बैकबोन प्रेजेंट होना और आप बहुत स्पेसिफिक फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिर्फ कुछ लोगों के पास या स्पेशलिस्ट के पास होता है एज दीज कैरेक्टर्स ऑफ एन डिस्क्राइब एन एट्रीब्यूट और फीचर दैट ऑब्जेक्ट ईदर डू और डू नॉट पजेस तो इसको कैसे आप कंसिडर करते हो या तो कोई कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म पजेस्ट नहीं करेगा या तो पजेस करेगा ठीक है तो यहाँ पे हम इसे स्कोरिंग देते हैं जैसे कि अगर नहीं प्रेजेंट नहीं पजेस करता है तो उसे ज़ीरो का स्कोर देंगे और अगर पजेस करता है तो उसे वन का स्कोर देंगे इसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं क्योंकि या तो कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है या तो नहीं प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे कोई इन बिटवीन कंडीशन नहीं है ठीक है कैरेक्टर कैन ऑल्सो लाई बेस्ड ऑन सीक्वेंस डेटा लाइक डी एन ए सीक्वेंसेज और प्रोटीन सीक्वेंसेज ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज तो यहाँ पर आप सीक्वेंसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज कैरेक्टर कि वो सीक्वेंस उस स्पीशीज में प्रेजेंट है या नहीं है ठीक है तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि कैरेक्टर बेस्ड मैथड होते क्या है अब कैरेक्टर बेस्ड मैथड में हम मेनली दो मैथड्स को पढ़ते हैं आपके जो है आपका मैक्सिमम लाइवलीहुड और मैक्सिमम पारसीमनी इन दोनों मेथड के बारे में हम समझते हैं अब मैक्सिमम पारसीमनी और मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड क्या है ये समझने से पहले दो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की ज़रूरत है जो कि है आपका इंफॉर्मेटिव एंड नॉन इन्फॉर्मेटिव साइट्स अब ये इंफॉर्मेटिव और नॉन इन्फॉर्मेटिव साइट्स क्या होती हैं जैसे समझते हैं कि एक सीक्वेंस वन है और एक सीक्वेंस टू है और थ्री है फोर है ठीक है ये चार तरह के आपने सीक्वेंसेस ले लिए और इनके आप जो है तीन सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं ठीक है अब इन तीन सीक्वेंसेस में आप देखते हैं कि इस सीक्वेंस में कितनी बार म्यूटेशन हुआ अगर म्यूटेशन जो है आपका दो से ज़्यादा बार होता है तो उसे आप इनफॉर्मेटिव साइट्स कहते हैं ठीक है और अगर दो से कम बार म्यूटेशन होता है तो उसे आप क्या कहते हैं नॉन इंफॉर्मेटिव साइट या फिर अन इन्फॉर्मेटिव साइट तो देखते हैं जैसे साइट्स दैट अलाउ वन ऑफ दोज ट्रीज टू बी डिस्टिंगस्ड फ्रॉम द अदर टू ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी म्यूटेशन दे मस्ट इनवोक तो इन्फॉर्मेटिव साइट्स वो होती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ म्यूटेशन हायर होता है और अन इन्फॉर्मेटिव साइट्स म्यूटेशन लेस देन टू तो इसे हमेशा जब इस्तेमाल करते हैं तो इसे ध्यान देना पड़ता है कि आपने इन्फॉर्मेटिव साइट का इस्तेमाल किया है या अन इन्फॉर्मेटिव साइट का इस्तेमाल किया है ठीक है जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये जो है फर्स्ट सीक्वेंस और सेकेंड सीक्वेंस यहाँ पे सिर्फ एक जगह पर म्यूटेशन हुआ है ठीक है फिर थर्ड सीक्वेंस में देखते हैं यहाँ पे दो जगह म्यूटेशन हुआ है तो इससे आपको क्या पता चल रहा है ये जो ये जो जी वाला सीक्वेंस है ये चारों में प्रेजेंट है मतलब ये कंजर्व सीक्वेंस है या अन इन्फॉर्मेटिव साइट्स है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इन चारों सीक्वेंसेस में आपको कोई डिफरेंस पता चलेगा बिल्कुल नहीं पता चलेगा इसका मतलब इस पोजीशन पे कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अन इन्फॉर्मेटिव साइट है लेकिन वहीं पर अगर हम देखते हैं कि पोजिशन सेकेंड और थर्ड पर तो देखिए सेकेंड और थर्ड पर पहले देखते हैं सेकेंड पे तो यहाँ पर दो म्यूटेशन हुआ है मतलब दो कंजर्व रीजन है और दो जगह म्यूटेशन हो गया ठीक है इसे भी हम अन इन्फॉर्मेटिव साइट कह सकते हैं क्योंकि म्यूटेशन जो है ये दो हुआ है और यहाँ थर्ड में देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही आपका कंजर्व रीजन है बाकी तीनों में म्यूटेशन हो गया तो ये एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव साइट हो सकती है क्योंकि इसके बेस पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि इन चारों सिक्वेंसेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इन्फॉर्मेटिव और नॉन इंफॉर्मेटिव साइट्स का अब हम चलिए चलते हैं देखते हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड मैथड ऑफ ट्री कंस्ट्रक्शन मैथड्स में जाने से मैक्सिमम लाइकलीहुड मैथड इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मैथड विच इज़ यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ अ इस्टैटिस्टिकल मॉडल ठीक है स्टैटिस्टिकल मॉडल है जिसे आप जो है दिखाते हैं कि कोई डेटा किस किस तरह से प्रजेंट है इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज मैथड इन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स लाइक सेवरल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जैसे कि आप किसके किसके लिए इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लीनियर मॉडल्स में या फिर डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स में और ये कम्युनिकेशन करता है सिस्टम का डेटा मॉडलिंग इन न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में और कंप्यूटेशनल फाइलोजेनेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है तो फाइलोजेनेटिक्स में कैसे इस्तेमाल होता है मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड का फाइलोजेनेटिक्स में स्टैटिस्टिकल टेक्निक को इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटीज असाइन की जाती हैं मतलब ये देखा जाता है कि कितना चांस है कि ये ट्री सही हो सकता है और फाइलोजेनेटिक ट्री की पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क किया जाता है मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्पेसीज़ ए है और स्पेसीज़ बी है ये दोनों रिलेटेड हैं या कितने रिलेटेड हैं या फिर कितनी क्लोजली रिलेटेड है और डिस्टेंटली रिलेटेड है इट इज स्पेशली एक्यूरेट फॉर बिल्डिंग मॉलिकुलर फाइलोजनीज ठीक है अकॉर्डिंग टू सेवरल कंप्यूटर स्टडीज़ मैक्सिमम लाइवलीहुड हैज द एबिलिटी टू फाइंड द करेक्ट ट्री इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम एंड वर्कस फाइंड फॉर डिस्टेंटली रिलेटेड डेटा सेट तो मतलब अगर कंप्यूटर स्टडीज़ की माने तो जो मैक्सिमम लाइवलीहुड है ठीक है ये बहुत ही जल बहुत ही जल्दी जो है करेक्ट ट्री को फाइंड कर सकता है और डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज के लिए ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है इट कैन कंपेयर डिफरेंट ट्रीज विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी मॉडल्स विद इन अ स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क however the drawback is that even with a small data set it is impossible for the method to find the optimal tree for sure and since it requires to search all the combination of tree topology and branch length इट इज़ अ कंपिटिशनली एक्सपेंसिव मैथड देखिए ये बहुत जल्दी तो कर लेता है लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करता है मतलब एक ट्री बनाने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सबको चेक करता है इसलिए ये एक एक्सपेंसिव मैथड हो जाता है ठीक है अगर छोटे सीक्वेंसेस के लिए भी आपको कंपैरिजन करना है तो इसमें ऑप्टिमल ट्री पाने के लिए ये हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करता है और इसी वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है द ट्री विद द सिंगल हाइस्ट एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी इज बाई डेफिनेशन द मोस्ट लाइकली टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइलोजेंटिक ट्री द मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड इज अवेलेबल फॉर बोथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन डेटा मतलब आप इसे न्यूक्लिक एसिड सिक्वेंसेज और प्रोटीन डेटा सिक्वेंसेज दोनों पर वर्क कर सकते हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो आपको मैक्सिमम लाइवलीहुड परफॉर्म करने में मदद करते हैं जैसे कि डी एन एम एल इसमें क्या होता है ये सिर्फ डीएनए डाटा का इस्तेमाल कर सकता है और इसे जो फेलेंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने जो है बनाया था फिर है फास्ट डीएनए एमएल जो कि डीएनए डेटा डाटा को प्रोसेस करता है और ये इससे फास्टर एल्गोरिदम इसीलिए यहाँ पे फास्ट डीएनए एमएल लिखा है ठीक है प्रोट एम मतलब ये डीएनए और प्रोटीन दोनों को एनालाइज कर सकता है और पज़ल जो कि डीएनए और प्रोटीन दोनों को एनालाइज कर सकता है और प्रोट एम से भी फास्टर है तो ये चार एप्प्लीकेशन्स हैं या चार साइट्स हैं जहाँ से आप जो है मैक्सिमम लाइवलीहुड को परफॉर्म कर सकते हो अब मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड का फ़ायदा क्या है लोअर वेरियंस देन अदर मेथड ठीक है इसके मतलब ये जो है एरर से सबसे कम इफेक्ट होता है जो मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड होता है उसमें एरर से सबसे कम इफेक्ट होता है दे टेंड टू रोबस्ट टू मैनी वायोलेशन्स ऑफ द एजम्पन्स इन द एलुशनरी मॉडल ये जैसे एवोल्यूशनरी मॉडल के जो एजम्पन्स होते हैं उन्हें तोड़ने में बहुत मदद करते हैं इवन विथ वेरी शॉर्ट सिक्वेंस इट आउट परफॉर्म्स अदर अल्टरनेटिवस स्टैटिस्टिकली वेल फाउंडेड है ये और ये ऑप्टिमल ट्री ढूंढने में आपकी मदद करता है बस इसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि ये हर एक पॉसिबिलिटी को सर्च करता है इस वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और हाँ ये सारे सीक्वेंस के इंफॉर्मेशन को जो है यूज़ करता है मतलब कि इंफॉर्मेटिव भी यूज़ करेगा और अन इन्फॉर्मेटिव भी यूज़ करेगा ठीक है तो ये हो गया आपका मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड ऑफ ट्री कंस्ट्रक्शन अब चलते हैं मैक्सिमम पारसीमनी मेथड की तरफ मैक्सिमम पार्सीमनी मेथड इज अ कैरेक्टर बेस्ड मेथड दैट बिल्ड्स अ फाइलोजेनेटिक ट्री बाय मिनिमाइजिंग द टोटल ट्री लेंथ मैक्सिमम पारसीमनी में बेसिकली क्या होता है ये बात इस्टेब्लिश की जाती है कि जिस ट्री में आपके सबसे कम स्टेप्स होंगे वही आपका ऑप्टिमल ट्री होगा जैसे अगर किसी ट्री में फाइव स्टेप्स हैं और आप किसी ट्री में थ्री स्टेप्स हैं तो मैक्सिमम पारसीमनी के हिसाब से थ्री स्टेप्स वाला ट्री ही आपका ऑप्टिमल ट्री होगा

तो उसमें जिस ट्री में सबसे कम इवोल्यूशनरी स्टेप होगा या सबसे कम म्यूटेशन अगर करेगा उसी को ये परफेक्ट ट्री मानता है द अप्रोच सर्चेज फॉर ऑल ऑफ द पॉसिबल ट्री ऑफ टोपोलॉजीज फ्रॉम द गिवन इनपुट डेटा एंड चूजेज द ऑप्टीमल ट्री मिनिमल ट्री भी कहते हैं उसको द ऑप्टीम इज यूजली कॉल्ड अ मोस्ट पारसी मनस ट्री ठीक है तो इसमें टर्म क्या आता है मोस्ट पारसी मनस ट्री मतलब कि जिसमें सबसे कम स्टेप हो इवोल्यूशन का Searching for the optimal tree can be computationally hard because the number of possible trees rapidly grows with the number of input sequences. ठीक है जैसे कि अगर आप जो है optimal ट्री ढूंढने के लिए हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करना चाहेंगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ sequences आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ही कॉम्बिनेशन भी बढ़ता जाएगा ना तो इसके लिए एक formula होता है जो कि रूटेड ट्रीज के लिए ये फार्मूला होता है एन आर इज इक्वल टू टू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल अपॉन टू ई एन माइनस टू एन माइनस टू का फैक्टोरियल और अनरूटेटरी के लिए एन यू इज इक्वल टू टू एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल अपॉन टू ई एन माइनस थ्री और एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल तो इससे क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि मतलब इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन बन सकता है ठीक है दिस रैपिड ग्रोथ मेक्स इट इम्पॉसिबल टू अप्लाई द मेथड ऑन वास्ट डाटा सेट इसी की वजह से आप बहुत बड़े सीक्वेंसेस पे या बहुत बड़े डेटा सेट पे इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि फिर नंबर ऑफ ट्रीज या फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस मेथड को मिनिमम इवोल्यूशन मेथड भी कहा जाता है इसके इस्तेमाल के लिए जो सबसे मेन मेन प्रोग्राम्स हैं उनको देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए डी एन ए पार्स है डी एन ए है डी एन ए कॉम्प है डी एन ए मूव है और प्रोट पार्स हैं तो इसमें से ये चार जो है प्रोग्राम ये है डीएनए के लिए या न्यूक्लिक एसिड के लिए और ये प्रोट पार्स जो है ये प्रोटीन के लिए है। अब जो मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड होता है ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव साइट का इस्तेमाल करता है मतलब जहां पे म्यूटेशन मोर देन टू हो अ मल्टीपल सिक्वेंसिस अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट विच सीक्वेंस पोजिशन आर लाइकली टू करेस्पॉन्ड फॉर ईच अलाइन पोजिशन फाइलेंटिक ट्री डेट रिक्वायर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रोलूशनरी चेंजेस टू प्रोड्यूस दबज्जर्व सीक्वेंसेज आर आइडेंटिफाइड मतलब जो मिनिमम एवोल्यूशनरी चेंज की वजह से जब आपका ट्री जो है फॉर्म होता है तो उसे ही हम ऑप्टीमल ट्री कहते हैं द एनालिस कंटिन्यूज यूजिंग एवरी पोजिशन ऑफ द सिक्वेंस अलाइनमेंट ठीक है अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको मैक्मम पार्सिवनी कहीं अप्लाई करनी है तो आप कैसे करेंगे जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम इस सीक्वेंस का इस्तेमाल करके इस डेटा सीक्वेंस का इस्तेमाल करके मैक्सिमम पार्सिमनी मेथड से ट्री रिकन्सर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे चार स्पीशीज़ ह्यूमन गोरीला और औरंगटन का जो है सीक्वेंस लिया गया है चार सीक्वेंसेस को लिया गया है या फिर चार पोजीशंस को तो अब पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेटिव साइट्स कौन कौन सी हैं और नॉन इन्फॉर्मेटिव साइट्स कौन कौन सी हैं तो सबसे पहले सीक्वेंस वन में देखते हैं यहाँ पे टी है यहाँ पे टी है यहाँ पे टी है, है और यहाँ पे ए है मतलब जो है म्यूटेशन बस एक हुआ तो इसे इंफॉर्मेटिव साइट्स नहीं मान सकते हैं ठीक है अब आप देखते हैं दूसरे सीक्वेंस में यहाँ पे भी देखिए सिर्फ एक म्यूटेशन है ये सीक्वेंस थर्ड जो है यहां पे दो म्यूटेशन है तो इससे हम इंफॉर्मेटिव साइट मानेंगे ठीक है क्योंकि फोर्थ में भी देखिए सिर्फ एक म्यूटेशन है तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हमें सीक्वेंस नंबर थर्ड के बेसिस पे मैक्सिमम पॉलिसी मनी अप्लाई करना है अब आगे देखते हैं अब देखिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं इंफॉर्मेटिव साइट को फाइंड करते हैं तो हमने इंफॉर्मेटिव साइट को फाइंड कर लिया अब इस डेटा के आधार पर हम ट्री बनाते हैं किस किस तरह की ट्री बन सकती हैं या कितने प्रकार की ट्री इस डेटा के बेस पे बन सकती हैं ठीक है तो सबसे पहले ट्री बनाते हैं फर्स्ट ट्री में देखिए यहाँ से कॉमन एंसेस्टर है ये तीनों कॉमन एंसेस्टर यहाँ से हैं ठीक है तो सबसे पहले जो डाइवर्जन हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है इस पॉइंट पर हो रहा है सबसे पहला डाइवर्जन कहाँ हो रहा है जैसे ओ में हम देख रहे हैं टी है तो यहाँ से बढ़े यहाँ सी में भी टी है ठीक है फिर यहां पर बढ़े तो यहाँ पर दो डाइवर्जन हो गया यहां पे जी जी हो गया ह्यूमन में और गोरीला में ठीक है तो यहाँ पे टोटल कितने स्टेप्स आ रहे हैं आपके टोटल स्टेप यहां पे आ रहे हैं आपके अभी स्टेप आप नहीं गिनेंगे अभी आप पहले ट्री फॉर्म करेंगे उसके बाद में आप स्टेप गिनेंगे ठीक है तो पहले तीनों तरह का वेरिएशन आप यहाँ पे फॉर्म कर लीजिए ये देखिए यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई है यहाँ पे देखिए एच जी सी ओ था मतलब कि ह्यूमन गोरीला और औरंगटन और, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड किसको दिखाया ह्यूमन और गोरीला को फिर सेकेंड में हमने गोरीला और चिम्पैनजी को ज्यादा क्लोजली रिलेटेड दिखाया या सिस्टर टैक्सा दिखाया है और थर्ड ट्री में हमने ह्यूमन और चिम्पैनजी को सिस्टर टैक्सा दिखाया है ठीक है अब हम क्या करेंगे एक एक ट्री को लेंगे और उसमें जो इवोल्यूशनरी साइट्स हैं या इवोल्यूशनरी चेंज कितनी बार आ रहा है उसको देखते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ओरेंगटन और चिम्पैनजी दोनों का जो सीक्वेंस था वो क्या था टी था यहाँ से हम देखते हैं ओरेंगटन और चिम्पैनजी दोनों का सीक्वेंस टी था तो यहाँ पे तो कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया लेकिन देखिए यहाँ पर यहाँ पर रिवोल्यूशनरी चेंज आया क्योंकि टी से ट्रांजिशन जी का जी का हो गया ठीक है ह्यूमन और गोरिला में कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट था जी प्रेजेंट था तो यहाँ पे यहां पे एक रिवोल्यूशनरी स्टेप अब सेकेंड तरीके से देखते हैं सेकेंड ट्री के हिसाब से तो सेकेंड ट्री में देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे से आएंगे ये देखिए आप ध्यान से समझिए अगर आप नीचे से आ रहे ये देखिए यहाँ पे ऑरेंटन का क्या था टी था ठीक है अब आपने यहाँ पे चिमपैन को प्लेस किया है ठीक है तो यहाँ पे आप आएंगे तो चिम्पैनजी का भी यहाँ पे टी था लेकिन जब आप चिम्पैनजी और गोरीला को होमोलॉजी में दिखा रहे हैं तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी स्टेप आ गया ना यहाँ पे भी तो गोरीला जो है उसका यहाँ पे जी सीक्वेंस था तो यहाँ पे दो स्टेप आ गया मतलब ह्यूमन में भी ट्रांजिशन हुआ और गोरीला में भी तो यहाँ पे दो स्टेप आ गए फिर ट्री में देखिए ट्री में भी आपके दो स्टेप आ रहे हैं एक यहाँ पे ट्रांजिशन आ रहा है जब आप गुरिला के ओरंगटन से गुरिला में जा रहे हैं और फिर जब आप ह्यूमन चिमपैनजी से ह्यूमन में जा रहे हैं तो यहाँ पे दो चेंज आ गए तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी टू चेंज है यहाँ पे भी टू चेंज है और यहाँ पे भी टू चेंज है या फिर टू स्टेप है यहाँ पे भी टू स्टेप है, है, है लेकिन जो फर्स्ट ट्री है उसमें सिर्फ एक स्टेप है तो मैक्सिमम पारसी मनी के हिसाब से हमने क्या समझा था कि जिस ट्री में सबसे मिनिमम एवल्यूशनरी स्टेप होगा वही आपकी ऑप्टिमल ट्री होगी तो इस एग्जाम्पल में ये जो ट्री नंबर वन था वो ऑप्टिमल ट्री था इसका मतलब जो हमारे ह्यूमन और गोरिला है वही सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है और ओरंगटन और चिंपांजी नहीं है तो इससे हमें क्या पता चला कि फाइलोजेनेटिक ट्री एनालिसिस में जो मैक्सिमम पार्सी मेथड होता है वो जो म्यूटेशन होता है उसको यूज करके दो स्पेसीज़ के बीच में होमोलॉजी दिखाता है और इसी के हेल्प से फाइलोजेंटिक ट्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता है तो ये मैक्सिमम पारसीमनी मेथड से ट्री कंस्ट्रक्शन था ठीक है तो ये दोनों मेथड जो थे आपके कैरेक्टर बेस्ड मेथड थे और ये कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स से हमारा ट्री कंस्ट्रक्शन हो गया अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्टेंस बेस्ड मेथड के द्वारा ट्री कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू सो मच